इसमें तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 7 को, जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी के आउटकम्स के बारे में। तो देखिए, अभी जो हमने डेमोक्रेसी के बारे में अभी तक पढ़ा हमारा क्लास 10th में सिविक्स में, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में, उसमें हमने डेमोक्रेसी के फीचर्स की बात की, पावर शेयरिंग की बात की, फेडरलिज्म की बात की, डाइवर्सिटी की बात की, या फिर मूवमेंट्स की बात की, पॉलिटिकल पार्टीज की बात की। अब हम बात करने वाले हैं कि जब इन सभी चीजों को मिलाकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप कर दिया जाता है या फिर डेमोक्रेसी को स्थापित कर दिया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उसका हमें फायदा क्या होता है। तो इस चीज को यहां पर इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर क्यों है। अब दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहने का मतलब है जहां पर मोनार्की का रूल है, यानी किसी राजा का रूल है, या फिर वहां पर किसी डिक्टेटर का रूल है, या फिर मिलिट्री का रूल है, यानी जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है उससे हम कंपेयर करने वाले हैं, उससे हम एक तरीके से देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों बेहतर है। तो देखिए, डेमोक्रेसी बेहतर इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेसी में एक चीज जो सबसे बड़ी है वो ये है कि यहाँ पर सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता है। आप किसी भी डेमोक्रेसी में चल जाएंगे, वहाँ पर आपको इक्वालिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सभी लोगों को, सभी सिटीजन्स को इक्वल ट्रीट किया जाता है। इसके बाद हर एक व्यक्ति के डिग्निटी को इन्हेंस करने की या फिर उसको बनाए रखने की कोशिश की जाती है कि हर एक व्यक्ति का जो सम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको कोई ठेस न पहुंचाए या फिर उसको किसी भी तरीके का परेशानी ना हो। इसके बाद देखिए, जो डेमोक्रेसी है उसमें जो डिसीजन मेकिंग का जो क्वालिटी है या फिर जो प्रोसेस है वो ज़्यादा बेहतर होता है दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। क्योंकि देखिए, अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करें तो वहाँ पर जो डिक्टेटर है वो जो चाहेगा वो होगा, जो उसके दिमाग में आइडिया आएगा वो तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। लेकिन जब हम डेमोक्रेसी में आते हैं तो डेमोक्रेसी में किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उसके ऊपर काफ़ी सोच विचार होता है, काफ़ी डिस्कशन होता है, काफ़ी बातचीत होता है, और जब सभी लोग उस पर राजी होते हैं कि हाँ ये डिसीजन सही है, तब उस डिसीजन को लिया जाता है। तो इस तरीके से जो डिसीजन मेकिंग का क्वालिटी है वो काफी बेहतर हो जाता है डेमोक्रेसी में। और देखिए, जो डेमोक्रेसी है वो किसी भी तरीके के कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का एक तरीका प्रोवाइड करता है, एक प्रोसेस प्रोवाइड करता है। और इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति मिस्टेक करता है, किसी भी तरीके का मिस्टेक होता है, तो उसको रिजॉल्व या फिर उसको करेक्ट करने का भी एक चांस डेमोक्रेसी द्वारा दिया जाता है। इसके बाद देखिए, हमने ये तो देख लिया कि डेमोक्रेसी क्यों बेहतर है दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। तो क्या ये सभी चीज़ें रियलिटी में इम्प्लीमेंट होती हैं, या फिर डेमोक्रेसी रियलिटी में इतना अच्छा है जितना हम उसके बारे में बात कर रहे हैं? हमने इतने सारे डेमोक्रेसी के चीज़ें पढ़ ली, पूरा किताब पढ़ लिया सिविक्स का डेमोक्रेसी के ऊपर। क्या डेमोक्रेसी रियलिटी में इतना अच्छा है कि हमको इसके बारे में इतना सपोर्ट करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर देखिए, अब हम एक चीज़ देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो प्रिंसिपल में बहुत ही अच्छा, यानी किताबों में बहुत ही अच्छा, उसके बारे में थ्योरी बहुत ही अच्छी लिखी जाती है, लेकिन जब बात रियलिटी की आती है, प्रैक्टिस की आती है, रियलिटी में इम्प्लीमेंट करने की आती है, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है कि जितना हम किताबों में पढ़ते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। रीज़न में सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप डेमोक्रेसी को देखें तो दुनिया में आज बहुत सारे देश हैं, 100 से भी ज़्यादा, 200 से भी ज़्यादा लगभग देश हैं, 150-200 के लगभग देश हैं जो कि डेमोक्रेसी को अपने देश में अपनाया है उन्होंने। यानी किसी भी तरीके से, कहीं पर प्रेसिडेंट रूल है, कहीं पर आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, कहीं पर आपको लोग जो रानी है, राजा है, वो बैठते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी अंदर चलता है। तो बहुत तरीके से बहुत सारे देशों ने डेमोक्रेसी को अपने देश में अपनाया है, और हर एक देश में जो डेमोक्रेसी का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अलग लग रहा है। और उसका रीज़न ये है कि वहाँ का जो परिस्थिति है, वहाँ का जो सिचुएशन है, वो बहुत ही अलग रहा है। और उसका ही रीज़न ये होता है कि जितना हम प्रिंसिपल में पढ़ते हैं उतना प्रैक्टिस में हमारा डेमोक्रेसी अच्छा परफॉर्म नहीं करने पाता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ समझना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी सरकार बनाने का एक तरीका है। और ये इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि डेमोक्रेसी आएगा तो उसकी वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपके सोसाइटी के वो सारे खत्म हो जाएंगे। डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ एक आपको जरिया प्रोवाइड करता है जिसके जरिए आप उसका यूज करके सरकार में बैठे और आपके समाज में या फिर आपके देश में जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करें। यानी कि आपको फायदा उठाना है डेमोक्रेसी का, तब जाकर आप अपने आसपास के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि डेमोक्रेसी आ गया
मतलब कि अब सब लोगों को अमृत मिल गया और तुरंत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे और भगवान का आशीर्वाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको उसका फायदा उठाना, यानी कि जो आम जनता है वो फायदा उठाएगी, तब जाकर डेमोक्रेसी का आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखिये, ये तो चीज हमने समझ ली कि डेमोक्रेसी प्रैक्टिस में उतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं करने पाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको दुनिया के सभी डेमोक्रेसीज में मिल जाएंगी। कुछ ऐसे फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के जो कि डेमोक्रेसी को दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर बनाते हैं। जैसे कि आपका जो डेमोक्रेसी है उसमें जो आपका डिसीजन मेकिंग का क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए, डेमोक्रेसी पर हमेशा ये आरोप लगता है या फिर डेमोक्रेसी के खिलाफ हमेशा ये कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काफ़ी स्लो होती है, वो बहुत ही लेस इफेक्टिव होती है, रिस्पॉन्सिव नहीं होती है, काफ़ी वो बुरा परफॉर्म करती है। तो ये सभी चीज़ें एक तरीके से सही है, लेकिन इसका काउंटर जो एक तरीके से आर्गुमेंट है वो ये है कि देखिए, डेमोक्रेसी में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो लोगों से डिस्कशन करके लिए जाते हैं, सभी लोगों से डिस्कशन करके, सोच विचार कर, सभी चीजें करके, पूरी तरीके से जांच परख कर डिसीजन लिए जाते हैं। और इसलिए ये जो डिसीजन होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वो आपका एक्सेप्टेबल भी होता है सभी लोगों को, और इसके साथ ही इफेक्टिव भी होता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, जैसे कि डिक्टेटरशिप हो गया, मोनार्की हो गया, वहां पर जो राजा होता है या फिर डिक्टेटर होता है उसको ये चिंता नहीं होती है कि मेरी जनता क्या सोचेगी या फिर आम लोग क्या सोचेंगे। उनको जो भी आइडिया आता है या फिर जो भी उनको दिमाग में आइडिया आता है, जो भी वो करना चाहते हैं अपने देश में, तुरंत वो डिसीजन लेते हैं, तुरंत उसको इंप्लीमेंट करा देते हैं। तो इस वजह से वहां पर जो डिसीजन मेकिंग है वो काफी फास्ट होता है, वहां की जो गवर्नमेंट है वो काफी इफेक्टिव होती है, काफी वो स्पीड में परफॉर्म करती है, काफी वो अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन एक तरीके से सोचिए, क्या वो चीज सही है? क्या इतना ये जो चीज है कि आप डेमोक्रेसी को छोड़ दें सिर्फ और सिर्फ फास्ट डिसीजन के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए? तो रियलिटी में आंसर है नो। क्यों? क्योंकि देखिए, वहां पर ऐसा हो सकता है कि आपका जो डिसीजन है वो काफी फास्ट हो रहा है, काफी अच्छा हो रहा है, लेकिन मान लीजिए कि वहां की सरकार कोई ऐसा डिसीजन लेती है जो कि वहां के जनता को नहीं पसंद है, वहां के लोगों को नहीं पसंद है, या फिर उनके खिलाफ जा रहा है, तो वो डिसीजन को रिवर्स करने का या फिर उसको कैंसिल करने का वहां के जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। डेमोक्रेसी में अगर ऐसा होता है कि सरकार कोई ऐसा डिसीजन ले लेती है जो कि जनता को पसंद नहीं है या फिर जनता के खिलाफ है, तो जनता उसके खिलाफ आवाज उठा सकती है, सरकार पर प्रेशर डाल सकती है, किसी भी तरीके से उस डिसीजन को वापस ले सकती है। तो इस तरीके से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक बेहतर है। इसके बाद देखिए, एक और चीज है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो हमेशा रिस्पॉन्सिव होता है लोगों की नीड और उनके एक्सपेक्टेशन के प्रति। यानी कि आप जैसे देखते हैं कि जो सरकार है वो सरकार जाकर चुनाव लड़ती है और चुनाव में हर एक पॉलिटिकल पार्टीज कुछ वादा करती हैं। तो वादा क्या है? वो एक तरीके से दिखाती है कि जो जनता है उसके सामने आप कुछ बातें रखते हैं, जनता को जो भी मन करता है वो उन बातों को जनता एक्सेप्ट करती है। यानी कि चार पॉलिटिकल पार्टीज आई, उन चार पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने बातें रखे और जिस जनता को जो भी पसंद आया उन चारों में से उसको उसने जाकर वोट दे दिया। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनता है वो जनता की नीड को या फिर जनता के एक्सपेक्टेशन को हमेशा पूरा करने की कोशिश करती है। क्योंकि जो देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाएगी वो चाहेगी कि हम अपना वादा पूरा करें ताकि अगली बार भी हमें जनता वोट दे, अगली बार भी हमारी सरकार बने। तो इस तरीके से लोगों के जो जितने भी एक्सपेक्टेशन हैं या फिर नीड हैं वो सभी पूरे होते हैं या फिर सरकार हमेशा पूरे करने की कोशिश करती है। इसके साथ एक और चीज़ है कि जो सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है, यानी कि अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबल कैसे होती है? तो देखिए, कोई भी पार्टी सरकार बनाती है, 5 साल सरकार चलाती है, तो 5 साल बाद उसे जनता के सामने जाकर जवाब देना है कि हमने 5 साल में क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, सही था, गलत था। जनता फिर उसको एनालाइज करेगी कि आपने किया तो सही किया, गलत किया, आपको हम वोट देंगे या फिर नहीं देंगे, आपका काम अच्छा था, खराब था, ये सभी चीज़ें जनता एनालाइज करेगी, फिर वो डिसीजन लेगी कि किसको वोट देना है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो हमेशा अपने देश की सिटीजन के प्रति जवाबदेह होती है, अकाउंटेबल होती है। और इसके साथ ही जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है
उसमें जो डिसीजन मेकिंग होता है वो प्रोसीजर और जितने भी नॉर्म्स है उनको फॉलो करती है, यानी कोई भी काम अगर होना है तो उसमें जितने भी प्रोसीजर्स बनाए गए हैं वो सभी प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है अगर वो इन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करती है, नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती है, या फिर कुछ ऐसे गलत डिसीजन लेती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या फिर पूरे जो नियम कानून है उसके खिलाफ जाता है, तो वहां पर लोगों के पास ये रास्ता होता है या फिर सुविधा मौजूद होता है कि जनता ये चेक कर सकती है कि आपने डिसीजन लिया वो सही था गलत था, आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ गए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आपने डिसीजन लिया। आपको सुविधा ये प्राप्त है, जैसे कि आपके देश में RTI का है कि आप निकाल सकते हैं कि सरकार ने क्या डिसीजन लिया, कैसे लिया, कि कितना खर्च किया कितना खर्च नहीं किया। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती है जनता के प्रति, यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ट्रांसपेरेंट होती है। और इसके साथ ही देखिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है, यानी कि जो सरकार होती है वो जनता की अपनी सरकार होती है, उसके ऊपर कोई शासन नहीं कर रहा है बल्कि जनता खुद के ऊपर शासन कर रही है कुछ लोगों के जरिए, यानी सरकार के जरिए। और ये कैसे होता है, यहां पर हम जानते हैं कि जो हमारा देश है या फिर जितने भी डेमोक्रेसीज हैं वहां पर आपको रेगुलर आपके चुनाव होते हैं या फिर फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं। तो इस तरीके से हर 5 साल में जो सरकार है जनता द्वारा चुनी जाती है, जनता के कंट्रोल में होती है, जनता उसको कंट्रोल कर सकती है। इसके साथ ही जितने भी कानून देश में बनते हैं वो सभी जनता के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा बनाए जाते हैं या फिर उनको कंसल्ट करके, उनका विचार समझ के या फिर उनसे बात करके बनाए जाते हैं। इसके साथ ही अगर जनता को ये लगता है कि कोई डिसीजन उनके खिलाफ जा रहा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है तो जो जनता है वो जाकर कोर्ट में जा सकती है, कोर्ट में जाकर ये एक तरीके से जांच करवा सकती है कि डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ गया है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में गया है। इसके बाद देखिए अगर हम आगे बढ़ें तो आगे अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में, और इसमें हम कंपेयर कर लेते हैं डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। तो देखिए यहां पर एक चीज है कि अगर हम 1950 और 2000 के बीच में डाटा देखें तो यहां पर हमें यह पता चलता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी कि जैसे मोनार्की हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, उसने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। उसके देखिए बहुत सारे रीजन है, क्योंकि देखिए वहां पर हमने जैसे देखा डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है, उनको जो भी मन होता है वो तुरंत कर लेते हैं, उनको किसी को मनाना नहीं पड़ता, कुछ भी बिल्कुल भी तामझाम उनको नहीं होता, तुरंत ऐसे डिसीजन होता है और ऐसे वो इंप्लीमेंट जाकर करते हैं। लेकिन वहां पर देखिए एक और चीज है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत सारी चीजों पर मैटर करती है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे पॉपुलेशन का साइज क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, दूसरे देश आपके देश को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आपके देश द्वारा क्या पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई गई हैं, तो ये सभी चीज़ें इन सभी चीज़ों पर ये डिपेंड करता है कि आपके देश का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा होगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक और चीज़ समझना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी है उसका ये मतलब नहीं है या फिर वो ये गारंटी नहीं करती है कि आपके देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं हैं। और देखिए जो डेमोक्रेसी है वो आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू और भी बहुत तरीके के राइट आपको मिलते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है कि आपको इकोनॉमिक इक्वालिटी मिलेगी या फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का जो अंतर है वो कम होगा, यानी अमीरी गरीब का जो फर्क है वो कम होगा, ऐसा वो गारंटी नहीं होता है डेमोक्रेसी में। आपको वोटिंग का अधिकार इक्वल मिल जाएगा, आपको दूसरे राइट मिल जाएंगे, आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलेगी, लेकिन आपको इकोनॉमिक इक्वालिटी डेमोक्रेसी में गारंटी नहीं है या फिर ये गारंटी नहीं करता है डेमोक्रेसी कि आपको ऐसा कुछ मिलेगा। लेकिन एक और चीज है इसके साथ ही, जो कि डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं जाती है वो ये है कि जो आपका इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उसको कम करना, तो डेमोक्रेसी यहां पर भी फेल कर जाता है। क्योंकि अगर हम अपना रिकॉर्ड देखते हैं अपने देश का या फिर और भी देशों का हम देखें तो देखिए जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उसको कम करने में जो डेमोक्रेसीज हैं वो एक तरीके से फेल हुई हैं या फिर उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। अमीर और अमीर होते गए हैं और गरीब होते गए हैं, तो ये जो चीज़ है ये चीज़ें आपके डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं जाती हैं।
अब यहां पर यह सवाल उठता है कि क्या यह चीज इतनी बड़ी है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से डेमोक्रेसी को नकार दें या फिर डेमोक्रेसी को चूज ना करें एज अ गवर्नमेंट के रूप में। तो आंसर है नहीं, क्योंकि देखिए यह सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें जो ये फर्क की बात की जा रही है कि जो डिक्टेटरशिप है उनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, यह फर्क आपका 1% 2% थोड़ा सा रहा है। और ये जो फर्क है ये इतना ज्यादा नहीं है कि आप एक पूरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और जो आजादी आपको डेमोक्रेसी द्वारा दी जा रही है उन सभी आजादी को आप छोड़ दें इतने से आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और देखिए ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं हो सकता है कि जिसके आधार पर आप अपना पूरा लाइफ डिसाइड कर लें, आप अपनी पूरी आजादी को त्याग दें, क्योंकि देखिए जो डेमोक्रेसी है वो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट के अलावा भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। आपको पॉलिटिकल फ्रीडम प्रोवाइड करता है, पॉलिटिकल आपको राइट प्रोवाइड करता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। ये सभी चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए जितना कि आपके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का आपका बात है। और देखिए ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसीज का जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ही खराब रहा है, यहां पर सिर्फ बात की जा रही है कि थोड़ा सा फर्क रहा है, यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम रहा है, यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनके शासन में भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो रहा है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहां पर आ जाता है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, यानी कि सोशल डाइवर्सिटी को किस तरीके से मैनेज करता है डेमोक्रेसी। तो देखिए जो डेमोक्रेसी है उसमें जो सिटीजन्स हैं उनको हमेशा ये इनकरेज किया जाता है कि वो एक दूसरे से मिल कर रहें, एक साथ रहें और एक दूसरे से फाइट न करें, बल्कि एक दूसरे के साथ पीसफुल और हारमोनियस लाइफ जिए। और इसके लिए जो डेमोक्रेसी है वो हमेशा सोशल डिविजन्स को कम करने की कोशिश करता है या फिर उसको खत्म करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी जो डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हमेशा सोशल डिविजन्स को खत्म करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई डिक्टेटरशिप है, वहाँ पर किसी तरीके का सोशल डिविजन होता है, वहाँ पर किसी भी तरीके का आपका कास्ट के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर फाइट हो जाता है, तो वहाँ पर जो डिक्टेटर का जो धर्म होगा उसके जो धर्म वाले लोग होंगे वो एक तरीके से शासन करने की कोशिश करेंगे या फिर एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ आपका डेमोक्रेसी में नहीं होता है, डेमोक्रेसी में हमेशा आपको सोशल डिविजन्स को खत्म करने की या फिर उसको कम करने की कोशिश की जाती है। एक और चीज़ है कि जो डेमोक्रेसी है वो हमेशा जो व्यक्ति हैं उनके डिग्निटी या फिर उनका जो फ्रीडम है उसको प्रमोट करता है, यानी हर एक व्यक्ति को फ्रीडम प्रोवाइड करने की कोशिश करता है या फिर उनको गारंटी करता है फ्रीडम, और इसके साथ ही हर एक व्यक्ति के डिग्निटी को वायलेट होने से रोकता है। इसके बाद अंतिम चीज यहां पर यह आती है कि देखिए जो डेमोक्रेसी है वो हमेशा डेवलप होते रहती है, उसका एग्जामिनेशन कभी खत्म नहीं होता। हर एक चुनाव में डेमोक्रेसी का एग्जामिनेशन होता है, हर एक जगह पर डेमोक्रेसी को टेस्ट किया जाता है कि डेमोक्रेसी अच्छी तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। इसके साथ ही डेमोक्रेसी में हमेशा देखते हैं कि धीरे धीरे जो डेमोक्रेसी का जो परफॉर्मेंस है वो लगातार बेहतर हो रहा है। आज के 50 साल पहले जो इंडिया में डेमोक्रेसी का परफॉर्मेंस था उसके कंपेरिजन में आज जो डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा मजबूत है, उसका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बेहतर है। और इसके साथ ही जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी से लगातार ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, यानी कुछ साल पहले कुछ डिमांड थी अब कुछ और डिमांड है और ज्यादा डिमांड है, यानी कि लोगों का जो विश्वास है वो लगातार डेमोक्रेसी में बढ़ रहा है और लोगों का विश्वास जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो रहा है। तो देखिए ये जो हमारा चैप्टर था आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी यहां पर खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।